एनआईए के सामने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा। कबूलनामे में सामने आए लॉरेंस के टॉप 10 टारगेट। टॉप टारगेट पर अभिनेता सलमान, हर हाल में मारना चाहता है लॉरेंस। 2021 में अमेरिका से मंगाई थी 2 जिगाना पिस्टल। गोल्डी बराड़ के जरिए मंगाई पिस्टल से अतीक के मर्डर का शक। बिश्नोई के मुताबिक अयोध्या का बाहुबली नेता विकास सिंह बिश्नोई गैंग के गुर्गों को पनाह देता है। वारदात के बाद बाहुबली विकास सिंह गुर्गों को शरण देता था, यह कहना बिश्नोई का। विवेक शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बड़ी बड़ी बातें कबूल की हैं लॉरेंस बिश्नोई ने और साफ तौर पर कहा कि सलमान खान टॉप लिस्ट में टारगेट के। बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए तो एनआईए की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा यह है कि वो अभिनेता सलमान खान को मौत की घाट उतार देना चाहता है। इसके साथ ही कई गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर, जिसमें कौशल चौधरी का नाम एक है। और साथ ही जब उससे पूछताछ की गई कि क्या अमेरिका से जिगाना पिस्टल मंगवाई गई थी, तो लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में खुलासा किया कि साल 2021 में अमेरिका से गोल्डी बराड़ के जरिए उसने कोगी गैंग को ये पिस्टल मुहैया कराई थी और सूत्रों के मुताबिक यही जिगाना पिस्टल थी जो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में यूज हुई थी, जो खुलासा उनके द्वारा, जो गैंगस्टर थे उनके द्वारा किया गया था। और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा ये भी किया कि एक बाहुबली नेता लॉरेंस बिश्नोई के गुटों को पनाह देता है। तो कई बड़े खुलासे गैंगस्टर्स के द्वारा किए गए हैं और लगातार मामले में एनआईए की टीम ने जो पूछताछ की, तो उसने ये भी बताया कि वो कितनी वारदातों में शामिल रहा है, कितने लोगों को अपने मौत की घाट उतारा है। कॉलेज पॉलिटिक्स से लॉरेंस बिश्नोई पूरी दुनिया की दुनिया में आया था, तो उसने बताया कि कॉलेज से वो कैसे उसने गैंगस्टर तक का सफर किया। तो बहुत बड़े खुलासे एनआईए के सामने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से किए गए। बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के। एनआईए के सामने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा। कबूलनामे में सामने आए लॉरेंस के टॉप 10 टारगेट। टॉप टारगेट पर अभिनेता सलमान, हर हाल में मारना चाहता है लॉरेंस। 2021 में अमेरिका से मंगाई थी 2 जिगाना पिस्टल। गोल्डी बराड़ के जरिए मंगाई पिस्टल से अतीक के मर्डर का शक। बिश्नोई के मुताबिक अयोध्या का बाहुबली नेता विकास सिंह बिश्नोई गैंग के गुर्गों को पनाह देता है। वारदात के बाद बाहुबली विकास सिंह गुर्गों को शरण देता था, यह कहना बिश्नोई का। विवेक शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बड़ी बड़ी बातें कबूल की हैं लॉरेंस बिश्नोई ने और साफ तौर पे कहा कि सलमान खान टॉप लिस्ट में टारगेट के। बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए तो एनआईए की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा यह है कि वो अभिनेता सलमान खान को मौत की घाट उतार देना चाहता है। इसके साथ ही कई गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर, जिसमें कौशल चौधरी का नाम एक है। और साथ ही जब उससे पूछताछ की गई कि क्या अमेरिका से जिगाना पिस्टल मंगवाई गई थी, तो लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में खुलासा किया कि साल 2021 में अमेरिका से गोल्डी बराड़ के जरिए उसने कोगी गैंग को ये पिस्टल मुहैया कराई थी और सूत्रों के मुताबिक यही जिगाना पिस्टल थी जो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में यूज हुई थी, जो खुलासा उनके द्वारा, जो गैंगस्टर थे उनके द्वारा किया गया था। और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा ये भी किया कि एक बाहुबली नेता लॉरेंस बिश्नोई के गुटों को पनाह देता है। तो कई बड़े खुलासे गैंगस्टर्स के द्वारा किए गए हैं और लगातार मामले में एनआईए की टीम ने जो पूछताछ की, तो उसने ये भी बताया कि वो कितनी वारदातों में शामिल रहा है, कितने लोगों को अपने मौत की घाट उतारा है। कॉलेज पॉलिटिक्स से लॉरेंस बिश्नोई पूरी दुनिया की दुनिया में आया था, तो उसने बताया कि कॉलेज से वो कैसे उसने गैंगस्टर तक का सफर किया। तो बहुत बड़े खुलासे एनआईए के सामने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से किए गए। बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के।